ये एक एग्जांपल है डिजाइन ऑफ कॉलम्स इन ब्रेस्ड फ्रेम्स। ब्रेस्ड फ्रेम्स बेसिकली आपके जो नॉन स्क्वायर फ्रेम्स हैं उनको कहते हैं। अब एग्जांपल अगर एक नजर में इस फ्रेम को देखूं तो मेरे पास 1, 2, 3 कॉलम्स आ रहे हैं। एक कॉलम डी ई है, सी डी और ए बी, और इसी तरह मेरे पास 2 बीम्स आ रही हैं इसमें ई एफ और बी डी। और जिस हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर करते थे कि इसके ऊपर स्लैब ऑब्वियसली होगी, तो स्लैब से इसके ऊपर कोई लोड आ रहा होगा यूडीएल, उस यूडीएल की बेस के ऊपर अगर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बाद इस फ्रेम को सॉल्व किया जाए तो हमें इन सब पॉइंट्स के ऊपर ए बी सी डी ई एफ इसके ऊपर हमें लोड और मूवमेंट्स पता चल जाएंगे, मतलब जो उसके रिएक्शंस हैं वो हम निकाल सकते हैं। उन लोड्स और मूवमेंट्स की बेस के ऊपर हम उसका डिजाइन कर रहे होंगे। तो इस एग्जांपल में हमें जो कॉलम्स के ऊपर लोड्स आ रहे हैं और मूवमेंट्स आ रही हैं वो दी हुई हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ तो कॉलम सी डी के ऊपर, जो सी डी कॉलम है उसके ऊपर डेड लोड और लाइव लोड कितना लग रहा है, इसी तरह कॉलम डी ई के ऊपर डेड लोड और लाइव लोड दे दिए। अब कॉलम सी डी के ऊपर भी टॉप एंड मोमेंट्स और बॉटम एंड मोमेंट्स दे दिए। ये जहन में रखते हैं कि ये हमें उसने डेड मोमेंट, डेड लोड की मोमेंट और लाइव लोड के अलग अलग दी हुई है, तो हम लाइक इसको फैक्टर्ड मोमेंट करेंगे। जैसे हम इसको 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड करते हैं, इसी तरह इसको भी हम फैक्टर्ड मोमेंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अगर मैं एक एक कॉलम लेके चलूं, लेट्स से मैंने अगर कॉलम डी ई डिज़ाइन करना है पहले, तो मेरा वही पहले वाला प्रोसेस होगा जो हमने कल किया था। पहले मैं इसका स्लेंडरनेस चेक करूंगा, स्लेंडरनेस चेक करने से भी पहले मैं इसको लोड्स को फैक्टर करूंगा, एंड मोमेंट्स निकालूंगा कि टॉप पे और बॉटम पे क्या आ रही है, और उसमें एक एम वन हो जाएगी एक एम टू हो जाएगी। उसके बाद मैं स्लेंडरनेस चेक करूंगा, अगर सिलेंडर कॉलम है तो एज अ सिलेंडर कॉलम डिज़ाइन करूंगा, मुझे एम सी वगैरह निकालना पड़ेगा। अगर शॉर्ट कॉलम है तो एज अ शॉर्ट कॉलम। तो प्रोसेस मेरा वही सेम होगा, जस्ट यहाँ पे मुझे ये कॉलम एक फ्रेम के अंदर प्लेस हुआ होगा। तो देख के, मतलब फिगर को देख के या फ्रेम को देख के प्रोसेस कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा। जस्ट इस एग्जाम्पल में हम 2 कॉलम्स को एक साथ लेके चल रहे होंगे डिज़ाइन कर रहे होंगे, प्रोसेस दोनों का अलग अलग है। आप चाहे पहले कॉलम एक को डिज़ाइन कर लें और फिर उसके बाद दूसरे को डिज़ाइन करें, लेकिन इस एग्जांपल में वो दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो जो हमारे पास ये गिवन डेटा है उसको उसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि टॉप के ऊपर ई के ऊपर क्या मूवमेंट आ रही है, डी के ऊपर क्या आ रही है, इसी तरह सी डी कॉलम के टॉप पे क्या मूवमेंट आ रही है और बॉटम पे क्या मूवमेंट आ रही है, बेस्ड ऑन ये जो हमें डेटा दिया हुआ है इसकी बेस पे उसने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे वो कैलकुलेट किया हुआ है फैक्टर्ड, जो हमें गिवन लोड्स दिए हुए हैं उसकी बेस पे फैक्टर लोड्स निकाल लिए हैं। कॉलम सी डी के लिए मूवमेंट एट टॉप और मूवमेंट एट बॉटम, इसी तरह कॉलम डी ई के लिए भी मूवमेंट एट टॉप और मूवमेंट एट बॉटम। इसमें मूवमेंट्स के साइन का ख्याल रखना है कि जो भी मैं नोटेशन ले रहा हूँ, अगर मैं उसको क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ तो थ्रू आउट द एग्जांपल मैंने उसको क्लॉकवाइज पॉजिटिव ही लेना है। अगेन वो आपकी मर्जी है कि आप उसको नोटेशन उसकी जो मर्जी लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है आपने। जब एंड मूवमेंट्स आ गए मेरे पास तो उसके बाद कॉलम का ए जी ट्रायल निकाला है। अब ए जी ट्रायल जो होगा वो भी मेरा 2 कॉलम्स का डिफरेंट निकल सकता है, लेकिन इसने ये किया हुआ है कि जो पी यू ज़्यादा है 2 कॉलम्स में वो वाला यूज़ किया हुआ है। तो कॉलम डी के लिए पी यू 82 था, कॉलम सी डी के लिए 134 था, तो उसने ए की 134 यूज़ किया है जो कि वो 2 कॉलम्स के ऊपर यूज़ करेगा यही वाला ए जी ट्रायल। उसका रीज़न ये है, लाइक प्रैक्टिकल रीज़न है कि बिल्डिंग्स में यूजुअली हम यही प्रेफर कर रहे होते हैं कि कॉलम अगर कंटिन्यू हो रहा है, स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल इस केस में एक ही स्टोरी से ऊपर कंटिन्यू हो रहा है, तो जितनी डायमेंशन कॉलम सी डी की है कॉलम डी ई की भी उतनी ही डायमेंशन हो, एटलीस्ट जो आउटर डायमेंशन है वो उतनी ही हो,
अंदर में भी बार हम एक आध कट कर देते हैं या उस तरह का सीन, वो अलग बात है, लेकिन आउटर डायमेंशन हम प्रेफर कर रहे हैं सिमेट्रिक रखने के लिए। और कंस्ट्रक्शन में भी इजी होता है कि अगर सब कॉलम्स की डायमेंशन अगर जहाँ पे हम सेम कर सकें वहाँ पे कर सकें। इसने यहाँ पे पी यू वो यूज़ किया है जो दो कॉलम्स में ज़्यादा वर्ड है, तो 134 यूज़ करके इसने ए जी ट्रायल निकाली है 14x14। फिर कॉलम सी डी और डी ई का स्लेंडरनेस चेक किया। अब इन दो के हम अलग अलग स्लेंडरनेस इसलिए चेक कर रहे हैं, अब हमारा क्रॉस सेक्शन तो सेम है लेकिन जो इफेक्टिव लेंथ है वो डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए हम अलग अलग करके चेक कर रहे हैं। कॉलम सी डी हमारा 18 फीट है और कॉलम जो डी ई है वो हमारा 22 फीट है, मतलब ये डायमेंशंस हमारी अलग अलग आ रही हैं। इसमें उसने एक और काम किया हुआ है कि यहाँ पर जो डायमेंशन दी हुई है ये बॉटम से लेकर सी डी के इस टॉप वाले पॉइंट तक है, तो उसमें से उसने अनसपोर्टेड लेंथ हमें चाहिए होती है, तो ये वाली जो बीम की डेप्थ है वो माइनस कर दी है। तो बीम की डेप्थ मुझे इधर सेक्शन ए से पता चल रही है कि 15+9 इंचज है, तो 2 फीट जो ये बीम की डेप्थ है वो उसने माइनस कर दी है इसके लिए। तो कॉलम सी डी की जो लेंथ है वो 18 फीट है और सिमिलरली कॉलम डी ई की जो लेंथ है वो भी 24-2 फीट टॉप से माइनस की है। और उसके बाद सिंपली उसी तरह कॉलम सी डी के लिए जो इस कॉलम के एंड पे मूवमेंट्स आ रही हैं M1/M2, कॉलम सी डी के लिए मेरे पास M1 38 था और M2 जो मेरे टॉप पे मूवमेंट आ रही है 94 वो यूज़ कर रहा है। इधर मेरा वो स्लेंडरनेस चेक हो रहा है। यहाँ पे मेरी जो लेफ्ट साइड वैल्यू आ रही है वो 39 है, राइट साइड वैल्यू 38 है, तो इसलिए कॉलम मेरा जस्ट स्लेंडर है। सिमिलरली डी ई के कॉलम के लिए जब मैं करता हूँ वो भी मेरा स्लेंडर आ रहा है, तो हम ऐसा स्लेंडर कॉलम करेंगे। ये पॉसिबल है कि आपका एक कॉलम कोई शॉर्ट कॉलम आ रहा हो, अगर स्लेंडरनेस चेक क्लियर हो जाए तो मैं उसको सिंपली एज अ शॉर्ट कॉलम ही डिजाइन करूंगा चाहे दूसरा कॉलम मेरा स्लेंडर आ रहा हो। उसके बाद मिनिमम मोमेंट्स का चेक किया हुआ है और ये भी मेरा टॉप और बॉटम दोनों के लिए होगा, तो पी यू इंटू ई मिनिमम, ई मिनिमम हमारा था 0.6+0.03 times h, ये वाली वैल्यू थी वो चेक किया है, तो हमारी जो मूवमेंट्स हैं वो इससे ज़्यादा ही हैं 11.4 से जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई है, 11.4 से ज़्यादा है तो मतलब ठीक है। अब वो दो कॉलम्स के लिए वही एम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है जो हमने सेंटर कॉलम में कल की थी जो सिग्मा एन एस निकाल रहे थे। तो सिग्मा एन एस के लिए हमें पहले ई सी निकालना, पी सी निकालना था, तो उसके लिए ई आई वैल्यू निकाली है, पी सी आई जी ये वैल्यू रिपोर्ट करके ई आई की वैल्यू निकाल ली। और दो कॉलम्स के लिए अलग अलग करके साथ साथ लेके चल रहे हैं। अगेन रीज़न ये है कि कॉलम सी डी के ऊपर डेड लोड लाइव लोड अलग है और कॉलम डी ई के ऊपर डेड लोड लाइव लोड अलग है, तो इसलिए उसको अलग अलग ले। यहाँ से हमारा ई आई उसने वैल्यू निकाल ली दो कॉलम्स की। ई आई की वैल्यू निकालने के बाद हमें पी सी निकालना है, तो पी सी के लिए हमें के वैल्यू चाहिए। अगेन के वैल्यू हम टेबल से भी निकाल सकते हैं अगर हमें सपोर्ट कंडीशंस पता हो। अगर टेबल में हमें फॉर एग्जांपल अब इसमें हमें नहीं पता कि सपोर्ट कंडीशंस क्या है, लेट्स से मुझे सी के ऊपर सपोर्ट कंडीशन नहीं पता, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है मतलब ये फुटिंग आ रही है, डी के ऊपर मुझे नहीं पता कि सपोर्ट कंडीशन क्या है, ई के ऊपर भी मुझे नहीं पता कि सपोर्ट कंडीशन क्या है, सही है, एफ पॉइंट के ऊपर मुझे पता है कि फिक्स्ड है, सिमिलरली बी के ऊपर नहीं पता, तो मुझे सी डी और ई की स्टिफनेस वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो सपोर्ट कंडीशंस को हम लाइक इन अदर वर्ड्स के उस सपोर्ट के ऊपर स्टिफनेस क्या है ये भी कह रहे हैं, तो हमें स्टिफनेस वैल्यू चाहिए। यहाँ पे गेस वाली जो सारी 7th स्टेप है ये के वैल्यू निकालने के लिए, कि दो कॉलम्स की हम के वैल्यू क्या लेंगे वो निकालने के लिए
ये स्टिफनेस निकाली हुई। अब कॉलम मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ अगर डी ई कॉलम को लेके चलता हूं तो डी ई कॉलम के लिए मैं ई वाले पॉइंट के ऊपर स्टिफनेस निकालूंगा और डी वाले पॉइंट के ऊपर भी स्टिफनेस निकालूंगा। अगर मैं ई पॉइंट को देखता हूं तो समीशन ई, इस फॉर्मूला को देखो तो समीशन ई सी आई सी ओवर एल सी, तो ई पॉइंट के ऊपर जितने कॉलम्स आ रहे हैं ई पॉइंट के ऊपर मेरा एक ही कॉलम आ रहा है, तो इस कॉलम की ई वैल्यू, इस कॉलम की आई वैल्यू, कॉलम मेरा स्क्वायर है तो आई वैल्यू में आई सी मेरा बी एच क्यूब बाई 12 होगा, और इस कॉलम की एल सी मतलब लेंथ क्या है तो लेंथ मेरी 18 फीट है, तो ई आई ओवर एल सी पॉइंट ई के ऊपर मेरा एक ही कॉलम है तो ये एक ही वैल्यू आएगी। अब पॉइंट ई के ऊपर ही मुझे सेम चीज बीम जितने उस पॉइंट के ऊपर टच कर रही हैं वो भी मैंने कैलकुलेट की हुई, तो पॉइंट ई के ऊपर मेरी एक ही बीम आ रही है, ये जो ई एफ बीम है, इस बीम की लेंथ मुझे पता है 25 फीट, इस बीम का मुझे इनर्शिया मैं निकाल सकता हूँ अगर मुझे सेक्शन दिया हुआ है तो वो उसका आई बी वैल्यू होगी, और इस बीम का इलास्टिसिटी मॉडल्स जो है ई वैल्यू वो भी मुझे पता होती है कंक्रीट की, ई बी आई बी एल बी। अब यहाँ पे पॉइंट ई के ऊपर एक ही बीम और एक ही कॉलम है तो इसलिए हमने एक एक ही कर दिया, तो मेरे पास पॉइंट ई के ऊपर साई की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैं पॉइंट डी के ऊपर भी करूँगा, पॉइंट डी के ऊपर बीम ये वाली आ रही है, इस बीम का मुझे आई बी पता है, इस आई बी मतलब यहाँ से निकालूंगा क्योंकि सेक्शन सेम है तो हमारा इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का सेम ही होगा, ई वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है और थर्ड जो हमारी इस बीम की लेंथ है वो इस केस में 30 फीट है, तो पॉइंट डी के ऊपर ये बीम आ गई और ऊपर वाली वैल्यू में मुझे कॉलम्स क्या निकालना था, तो अब पॉइंट डी के ऊपर मेरे दो कॉलम्स टच हो रहे हैं, एक कॉलम सी डी और एक डी ई, तो मैं इसके लिए भी ई आई ओवर एल वैल्यू निकालूंगा, उसको सम करूंगा इस कॉलम की ई आई ओवर एल वैल्यू से, तो डी वैल्यू के लिए मुझे जो ऊपर समीशन ई आई सी ओवर एल सी वाला पार्ट है फॉर्मूला का उसमें ये वाला इस कॉलम का ई आई ओवर एल सी होगा प्लस इस कॉलम का ई आई ओवर एल सी, तो मेरे पास लाइक पॉइंट डी के ऊपर भी स्टिफनेस आ जाएगी। एक कॉलम के ऊपर जितनी भी बीम्स और जितने भी कॉलम्स अटैच हो रहे थे उन सब के लिए मुझे वो करने होते हैं, ये तो हम लाइक सिंपल 2D में फ्रेम देख रहे हैं, इसमें लाइक थर्ड डायमेंशन में कोई कॉलम या बीम नहीं अटैच हो रही, अगर तो रियल में देखूँ तो सेंटर कॉलम फॉर एग्जाम्पल होता है तो उसके ऊपर चार डायरेक्शन से बीम्स आ रही होती हैं, तो उसमें जब मैं वो ई आई बी ओवर एल बी वाली पार्ट में सम करूंगा तो मैं चारों डायरेक्शंस वाली बीम्स को कंसिडर करूंगा, उन सब बीम्स का मैं ई आई ओवर एल बी वैल्यू सम करूंगा, सिमिलरली जितने कॉलम्स टच हो रहे होंगे वो भी मैं सारे सम करूंगा, कॉलम्स मोस्टली मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं तो वो केस यहाँ पे हो गया। तो मेरे पास इस तरह करके पॉइंट ई के ऊपर साई ई की वैल्यू, एक साई वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ पे किया हुआ है ई सी मल्टीप्लाई बाय आई सी कॉलम का इनर्शिया और डिवाइड किया हुआ है एल सी से, ये बी एच क्यूब बाई 12 सॉरी बी एच क्यूब डिवाइड बाय एल सी को उसने मल्टीप्लाई बाय 12 किया हुआ है इंचेस से, फीट को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली आप पॉइंट ई के ऊपर बीम का इनर्शिया डिवाइडेड बाय बीम की लेंथ, पॉइंट ई के ऊपर मेरे पास साई की वैल्यू आ गई। इसी तरह पॉइंट डी के ऊपर मेरे पास दो कॉलम थे, मतलब पॉइंट डी के एक ऊपर भी कॉलम जा रहा था एक नीचे भी था, तो ऊपर वाले कॉलम की वैल्यू ई आई ओवर एल और नीचे वाले कॉलम की वैल्यू ई आई ओवर एल, उन दो को सम किया हुआ और पॉइंट डी के ऊपर मेरा एक ही बीम आ रही थी तो उस बीम का आई
और एल जो उसकी लेंथ है 30 फीट थी, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 किया है तो 360 इंचेज आ गई। तो मेरे पास कॉलम ई और डी की स्टिफनेस पता चल गई। जब मेरे पास ये स्टिफनेस आ गई है, इस टेबल से भी मैं वैल्यूज वो साई की डाल के चेक कर सकता हूँ, मतलब पॉइंट ई की साई देखता हूँ कि कितना है, पॉइंट डी का साई देखता हूँ कितना है, उन दो पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो जहाँ पे वो लाइन इधर इंटरसेक्ट कर रही होगी वो मेरी के की वैल्यू होगी। मैं इस तरह भी देख सकता हूँ या मैं इस तरह भी देख सकता हूँ। इधर आप नोट करो तो ये इलास्टिक और बीम्स के साथ साथ ये वैल्यू लिखी हुई है, साई वैल्यू। तो साई जिस वाले के करीब करीब होगी मैं वो वाली सपोर्ट कंसिडर कर लूंगा। तो टॉप के लिए, बॉटम के लिए, ई के लिए, लेट्स से जो साई की वैल्यू जिसके करीब करीब है वो सपोर्ट कंसिडर कर ली, इस साइड में भी साई की वैल्यू जिसके करीब करीब है वो सपोर्ट कंसिडर कर ली। तो यहाँ पे वो कहता है अगर साई मेरा 3.1 है तो इलास्टिक सपोर्ट है, साई अगर 1.6 है तो इलास्टिक फ्लेक्सिबल है, साई 0.4 है तो स्टिफ है, साई अगर 0 है तो फिक्स्ड है। कभी भी 0 नहीं होगा, लाइक 0 के करीब करीब ही होगा। तो ये जो सारी कहानी हमने की है ये सिर्फ हमने के की वैल्यू निकालने के लिए की है। जो हम अगर हमें पता हो कि पिन है सपोर्ट्स, मैं अगर पहले बता देता हूँ कि ये सपोर्ट्स पिन है या स्टिफ है या इलास्टिक है तो आप डायरेक्टली वहां से टेबल से देख के कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता तो हम लाइक इस तरह करके निकाल रहे होते हैं। जब के की वैल्यू आ गई हमारे पास तो हम सीधा सीधा उससे पी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू आ गई हमारे पास तो उसको हमने इस फॉर्मूला में डाला, ई आई हमने अभी निकाला था ऊपर, एल यू भी हमें पता होता है जो कॉलम की लेंथ है, और पी सी आ गया। पी सी को मैं वापस सिग्मा एन एस वाले में डाला तो मेरे पास सिग्मा एन एस की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो सिग्मा एन एस की वैल्यू जब ये वैल्यूज डाल के 0.538 आई है, तो हमने कल भी बात की थी कि सिग्मा एन एस की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि ये कम है तो उसने सिग्मा एन एस इज इक्वल टू 1 ले लिया, क्योंकि हम मूवमेंट कम नहीं करना चाह रहे। तो एम सी जो है वो हमारी सिंपली एम टू के इक्वल आ गई है इस केस में, क्योंकि सिग्मा एन एस 1 था। कॉलम डी टू के लिए भी इसी तरह पी सी वैल्यू निकाली, सी एम वैल्यू निकाली, सिग्मा एन एस वाले फॉर्मूला में पुट किया तो हमारे पास सिग्मा एन एस कॉलम डी ई के लिए 1.15 आ गया, तो हमारे पास ये क्रिटिकल मोमेंट आ गई 1.5 मल्टीप्लाई बाय कॉलम डी ई के लिए जो हमारा एम टू था, जो कॉलम डी ई को एंड मोमेंट्स में ज्यादा वाली मोमेंट्स थी वो यहाँ पे यूज की हुई है। कॉलम डी सी डी के लिए पी यू 134 है और एम यू 94 जो ये डायरेक्ट आ रहा है। इसी तरह कॉलम डी ई के लिए पी यू ये वैल्यू है और एम सी ये वैल्यू। जब मेरे पास पी यू और एम यू वैल्यू आ गई है तो मैं वही इंटरेक्शन डायग्राम्स देखी, वहां से रो जी निकाला और रो जी से मेरा एरिया ऑफ स्टील आ गया, तो मेरा लाइक वहां पे डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं तक हम करेंगे, आगे अगर देखना है तो ये तकरीबन वही प्रोसेस दो कॉलम्स के लिए अलग अलग रिपीट हुआ हुआ है।